हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल आज के क्लास में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग मिक्स जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करेंगे मार्केटिंग मिक्स बेसिकली पूरा का पूरा सब्जेक्ट है जो सिलेबस है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग उसका एक समरी है सोच लो मार्केटिंग मिक्स हम पूरा का पूरा सिलेबस में सिर्फ मार्केटिंग मिक्स के बारे में ही पढ़ते रहेंगे इन डिटेल टोटल मार्केटिंग मिक्स के अंदर चार एलिमेंट्स होते हैं और पूरा का पूरा जो सिलेबस है यही चार एलिमेंट्स के बारे में दिया हुआ है तो तुम तो ऐसे सोच लो कि आज के वीडियो में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे ये पूरा का पूरा एक ओवरऑल सिलेबस का समरी के जैसा है क्योंकि ओवरऑल सिलेबस में सिर्फ मार्केटिंग मिक्स के बारे में ही डिटेल में एकदम दिया हुआ है ठीक है चलो तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली मार्केटिंग मिक्स क्या होता है मार्केटिंग मिक्स है वो हर एक चीज या वो हर एक टूल्स जो एक मार्केटर यूज करता है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज़ को मार्केट में बेचने के लिए तो मार्केटिंग मिक्स बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स है जो कि जिसका पर्पस ये होता है कि वो कस्टमर को प्रोडक्ट को सेल कर पाए या कस्टमर को एक सर्विस दे पाए बेसिकली मार्केटिंग मिक्स के अंदर चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं फोर पीस ऑफ मार्केटिंग रुको मैं आगे दिखा दिखा देता हूं तुमको पहले इसको बोलते हैं फोर पीस ऑफ मार्केटिंग अब ये फोर पीस क्या क्या है ये है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन तो इसी के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं पहले पढ़ते हैं मार्केटिंग मिक्स क्या होता है देखना मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द इनग्रीडियंट ऑर द टूल ऑर द वेरिएबल विच द मार्केटर मिक्सिस इन ऑर्डर टू इंटरक्ट विदर्टिकुलर मार्केट एक पर्टिकुलर मार्केट में अपना प्रोडक्ट का सर्विस का सेल को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी एक बिजनेस मैन करता है वो सबको बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स मिक्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स तो यहाँ पे क्या चीज का मिक्स है चार चीजों का मिक्स है डेट इज प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे चारों के बारे में डिटेल में ठीक है देखना नेक्स्ट और भी कुछ डेफिनेशन दिए हुए मार्केटिंग मिक्स के जैसे कि मार्केटिंग मिक्स इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर इनपुट्स स्टिट्यूट द कोर ऑफ अ कंपनीज मार्केटिंग सिस्टम द प्रोडक्ट द प्राइस द प्रमोशनल एंड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो रोटल चार चीज आता है इसके अंदर पहला हो गया कैसा प्रोडक्ट है दूसरा हो गया वट इज द प्राइस तीसरा हो गया प्रमोशन प्रमोशन का मतलब होता है बेसिकली एडवर्टाइजमेंट करना ठीक है और चौथा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन या ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेस ठीक है तो ये चार चीज आ गया इसके अंदर प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन एंड प्लेस नेक्स्ट मार्केटिंग मिक्स आर द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स डेट फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेटेड मार्केट तो जो कुछ भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए जो भी टूल्स हम यूज करते हैं वो सबको बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स ठीक है तो मार्केटिंग मिक्स के अंदर बेसिकली चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है जिसको हम बोलते हैं फोर पीज़ ऑफ मार्केटिंग बहुत ही फेमस क्वेश्चन एग्जाम का या बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एक सोशल एग्जाम का दैट इज द वट इज द फोर पीज ऑफ मार्केटिंग द आंसर इज प्रोडक्ट प्राइस, प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन ठीक है तो एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे सबसे पहला आता है प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट भी डिटेल में तो क्या है ये? ये बहुत ही कम दिया हुआ यहां पे अभी आज के वीडियो में पूरा का पूरा का एक यूनिट है ऑलमोस्ट जो हमारा यूनिट नंबर टू है ऑलमोस्ट प्रोडक्ट के बारे में पूरा का पूरा यूनिट दिया हुआ है ठीक उसी प्रकार जो नेक्स्ट यूनिट है वो प्राइस के बारे में दिया हुआ है फिर उसके बाद प्लेस के बारे में डिटेल में दिया हुआ है तो आगे जो हम यूनिट्स पढ़ेंगे यूनिट थ्री फोर फाइव ये सब में ये सब जो यूनिट्स होंगे ये सब में इन्हीं के बारे में डिटेल में दिया हुआ है जो कि हम बहुत डिटेल में उस यूनिट के अंदर कवर करेंगे अभी एक इंट्रोडक्शन के जैसा पढ़ेंगे इसको चार पीस ऑफ मार्केटिंग पहला हो गया प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अगर हमारा प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा तो हम चाहे कुछ भी कर ले हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल नहीं हो पाएगा हमारा जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे एक बार एडवर्टीजमेंट करके हो सकता है हम एक बार सेल कर दें भी लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो हमारे पास रिपीट कस्टमर्स नहीं आएंगे रिपीट कस्टमर का मतलब होता है जो एक बार सामान खरीदा उसको पसंद आया वो फिर दोबारा सामान खरीदने आएगा ऐसे कस्टमर नहीं होंगे हमारे पास कब अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो ठीक है देखना प्रोडक्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग सिग्निफाइज द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रोडक्ट ऑफर टू द कस्टमर विज विज से प्रोडक्ट इज द बंडल ऑफ यूटिलिटीज यूटिलिटीज मतलब बेनिफिट ठीक है द प्रोडक्ट मेक्स रेफर्स टू इंपॉर्टेंट डिसीजन प्रोडक्ट के अंदर क्या डिसीजन लेना होता है हमको रिलेटेड टू क्वालिटी प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी रहेगा वो डिसाइड करना होगा कोई कुछ कंपनीज होती है जो चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं कुछ लोग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो पहले तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिसाइड करना होगा दूसरा प्रोडक्ट का क्या डिजाइन होगा प्रोडक्ट का पैकिंग कैसा रहेगा एटसेट्रा तो बेसिकली ये सब कुछ हमको डिसाइड करना पड़ता है वाइल वी आर टेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट अब प्रोडक्ट के अंदर तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं जो कि माना जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के अंदर क्योंकि हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियो के अंदर पहला है उसके अंदर ब्रांडिंग तो प्रोडक्ट का ब्रांडिंग कितना स्ट्रांग है उसका ब्रांड नेम उसका लोगो उसका डिज़ाइन कैसा है उससे बहुत फर्क पड़ता है दूसरा प्रोडक्ट का पैकिंग कैसा है अगर प्रोडक्ट का पैकिंग अट्रैक्टिव होगा तो कस्टमर उसको उठाएगा और यूज़ करेगा अगर प्रोडक्ट का पैकिंग ही अच्छा नहीं होगा तो कस्टमर उसको हो सकता है पसंद ना भी करे और तीसरा होता है लेबलिंग लेबलिंग का मतलब होता है जो स्टिकर्स लगे हुए होते हैं जिसमें सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट दैट इज क्या एम है कब मैन्युफैक्चर हुआ इनग्रीडियंट्स क्या है डायरेक्शन ऑफ यूज या फूड आइटम्स होगा तो न्यूट्रिशनल वैल्यू ये सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ रहता है तो प्रोडक्ट के अंदर तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कंपोनेट जिसमें ध्यान देने का जरूरत है पहला है ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट दूसरा है पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट और तीसरा है लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट ठीक है इसके बारे में हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट नंबर टू के अंदर ठीक है तो चलते हैं नेक्स्ट पी के पास पहला हो गया प्रोडक्ट दूसरा हो गया प्राइस प्राइस भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है क्योंकि अगर हमारा प्राइस अच्छा नहीं रहा तो हो सकता है कि कस्टमर प्रोडक्ट को ना परचेज़ करे तो प्राइसिंग में हमको डिसाइड करना पड़ता है बेसिकली कि व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा होना चाहिए जो कि उसके यूटिलिटीज़ के हिसाब से है जितना का बेनिफिट्स वो दे रहा है उसके हिसाब से उसका प्राइस होना चाहिए प्लस एक प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हद तक डिपेंड करता है कि उसके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स का क्या प्राइस है एंड जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग क्या प्राइस पे प्रोडक्ट को दे रहे हैं ये सब कुछ पे सब कुछ से फर्क पड़ता है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइसिंग रखेंगे ठीक है देखना प्राइस इज नॉर्मली एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स इट इज इट इज वर्थ ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इन मॉनिट्री टर्म्स इट इज़ द मॉनिट्री सेक्रीफाइस विच द बायर मेक्स वेन ही बाइज समथिंग प्राइस में भी कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम्स फॉर एग्जाम्पल प्राइस का अलग अलग नाम होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्यूशन पढ़ने का जो प्राइस है उसको बोलते हैं फी तो एजुकेशन के प्राइस को बोलते हैं फी वैसे ही रोड के प्राइस को बोलते हैं टोल रोड यूज करने का जो पैसा हम दे रहे हैं उसको टोल बोलते हैं वैसे जॉब का जो प्राइस है उसको सैलरी बोलते हैं अपार्टमेंट यूज करने का जो प्राइस है उसको रेंट बोलते हैं एटसेट्रा तो प्राइस को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है अलग अलग गुड्स या सर्विसेस केसेस में प्राइस मिक्स रेफर्स टू इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू तो प्राइसिंग में हम क्या डिसीजंस लेते हैं फिक्सिंग ऑफ़ द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी एक प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए वो हम डिसाइड करते हैं दिस डिसीजन कैन रिलेट टू हमको ध्यान देना चाहिए किसका प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या प्राइस में बेच रहे हैं उसके हिसाब से हम प्राइसिंग रखेंगे दूसरा क्या डिमांड है प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है तीसरा कॉस्ट क्या है प्रोडक्ट का कितना रुपये में बनता है प्रोडक्ट जितना में बनता है उससे कम में तो नहीं बेचेंगे ना हम तो ये सब कुछ पे फर्क पड़ता है कि वट शुड बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ठीक है इसके बारे में भी काफी डिटेल में आएगा आने वाले यूनिट्स के अंदर नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर आता है वो हर एक काम जो एक मार्केटर करता है गुड्स या सर्विसेज को कस्टमर तक अवेलेबल कराने के लिए वो सबको बोलते हैं प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आज प्रोडक्ट सपोज दिल्ली में कंज्यूम हो रहा है लेकिन वो दिल्ली में तो नहीं बन रहा है सपोज़ वो वो बन रहा है दार्जिलिंग में सपोज़ चाय का एग्जाम्पल लेते हैं तो चाय प्रोड्यूस होता है दार्जिलिंग में आसाम में और डिमांड है ऑल ओवर इंडिया के अंदर तो प्लेस क्या करता है प्लेस हेल्प करता है दार्जिलिंग से प्रोडक्ट लाकर दिल्ली तक पहुंचाने में तो उसके बीच में बहुत सारे होलसेलर्स रिटेलर्स होंगे जो कि मैन्युफैक्चर से सामान लेकर रिटेलर तक सामान को पहुंचाते हैं उसके बीच में बहुत सारा वेयर हाउसेस का जरूरत पड़ सकता है ठीक है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज का जरूरत पड़ेगा तो ये सब कुछ कवर होता है अंडर प्लेस और द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है देखना प्लेस रेफर्स टू तो सेट ऑफ डिसीजन दैट तो नीड टू बी टेकन

प्रडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पन तो जहाँ गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है और जहाँ गुड्स कंज्यूम हो रहा है वो जगह को कवर करना पड़ेगा और प्लेस इसमें मदद करता है कैसे करते हैं ट्रांसपोर्टेशन करके और बीच में होलसेलर रिटेलर्स बना कर ठीक है प्लेस विक्स एफर्ट्स टू इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज दिस डिसीजन्स आर डिसाइडिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वही होता है होलसेलर रिटेलर ये सब है ना नेक्स्ट होता है मार्केट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा प्लेस मिक्स इंक्लूड्स चैनल ऑफ मतलब बीच में मिडिल मैन कौन कौन रहेगा इंटरमीडियरीज कौन कौन रहेगा और फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग इंश्योरेंस बैंकिंग ये सब कुछ भी इसके अंदर कवर होता है क्योंकि ये सबसे हेल्प होता है गुड्स को जहां प्रोड्यूस हुआ है वहां से लेकर जहां वो कंज्यूम होने वाला है वहां तक पहुंचाने में ठीक है नेक्स्ट लास्ट में आता है हमारा चौथा और आखिरी पी डेट इज दी प्रमोशन प्रमोशन बेसिकली अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो प्रमोशन का मतलब होता है प्रचार करना ताकि प्रोडक्ट को हम लोग सेल कर सकें क्योंकि अगर कस्टमर के बारे कस्टमर को जानकारी ही नहीं होगा प्रोडक्ट के बारे में तो प्रोडक्ट कभी भी वो परचेज नहीं करेगा तो प्रमोशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर तक वो अवेयरनेस वो एजुकेशन वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना ताकि कस्टमर को पता रहे एटलीस्ट प्रोडक्ट के बारे में और जब उसको जरूरत होगा वो प्रोडक्ट तो उस प्रोडक्ट को वो परचेज कर सके ठीक है देखना द प्रमोशन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग इज कंसर्न विथ एक्टिविटीज देट आर अंडरटेकन टू कम्युनिकेट with कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स टू enhance द सेल्स ऑफ the, sales of the द प्रमोशनल कम्युनिकेशन एम्स है इन्फॉर्मिंग एंड परसविडिंग द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट एंड इन्फॉर्मिंग ही अबाउट द मैरिट्स ऑफ द प्रोडक्ट तो ये जो प्रमोशन है क्या कोशिश करता है कस्टमर का इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का कस्टमर को मैरिट्स बताने का प्रोडक्ट का और अल्टीमेटली उसका एम है कि कस्टमर प्रभावित हो जाए और कस्टमर वो सामान को परचेज करे ठीक है प्रमोशन मिक्स रेफर्स टू ऑल द डिसजन रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस इंपॉर्टेंट डिसीजनस ऑफ प्रोडक्शन मिक्स आर सिलेक्टिंग एडवर्टाइजमेंट मीडिया कहाँ एडवरटाइजमेंट करेंगे यूट्यूब में इंस्टाग्राम में टी वी लगाए टी वी में बैनर लगवाएंगे रेडियो पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिसाइड करना पड़ेगा कैसे एडवरटाइजमेंट करना है नेक्स्ट सिलेक्टिंग द प्रमोशनल टेक्निक्स बहुत सारा प्रमोशनल टेक्निक होता है अभी नीचे हम लोग पढ़ेंगे उसमें से हमारे लिए क्या सुटेबल रहेगा वो देखना यूजिंग पब्लिसिटी मेजर्स पब्लिक रिलेशन एटसेट्रा फॉलोइंग टूल्स और एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन टोटल चार एलिमेंट्स है पहला हो गया एडवर्टाइजमेंट जो कि काफी कॉमन है हम सुने भी होंगे पैसे देकर एडवर्टाइजमेंट दिखाना ठीक है सेकेंड हो गया सेल्स प्रमोशन सेल्स प्रमोशन हो गया कोई डिस्काउंट देना या कोई ऑफर लगाना बाय वन गेट वन देना या फाइव थाउजेंड में वन थाउजेंड डिस्काउंट हो जाएगा ये सब जो रहता है ये सबको बोलते हैं सेल्स प्रमोशन तीसरा हो गया पर्सनल सेलिंग घर घर जाकर प्रोडक्ट को बेचना उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग वन टू वन जाकर प्रोडक्ट के बारे में बताना एक एक घरों में और उसमें डेमो दिखाना और प्रोडक्ट को बेचना जैसे पहले के जमाने में एक्वागार जो था वैसे प्रोडक्ट को मार्केट करता था या तुम बचपन में याद होगा ऑक्सफोर्ड का, का डिक्शनरी विक्शनरी आता था तो घर घर आके डिक्शनरी बेच कर जाते थे तो वो सबको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग और लास्ट हो गया पब्लिक रिलेशन पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना और अच्छा रिलेशनशिप इस्टैब्लिस करने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि उसको परस्यू करना कि वो हमारा एक प्रोडक्ट को परचेज करे उसको बोलते हैं पब्लिक रिलेशन ठीक है इन चारों के बारे में काफी डिटेल में हम पढ़ेंगे आने वाले यूनिट्स के अंदर एडवर्टीजमेंट सेल्स प्रमोशन पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन ये चारों का चारों आपस में बहुत अलग अलग टॉपिक्स है ये सबको हम कवर करेंगे आने वाले यूनिट के अंदर जो कि प्रमोशन के अंदर कवर होगा ठीक है तो इसी के साथ मार्केटिंग मिक्स में इतना ही है टोटल चार फोर पीज ऑफ मार्केटिंग है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू गुड बाय वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर से करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर थैंक यू एंड बाय बाय